रख के पहिए खोल, बना के चक्र सुदर्शन बोल, जम के फीते कस के बांध, खुली है आज शेर की मांग। तू गोली दाग मिलखा, दाग मिलखा, दाग मिलखा, अब तू बाग मिलखा। अरे छोड़ दे बीते कल की बोरी, काट दे रस्सी सुतली डोरी, तुझसे पूछेगी ये मट्टी, करके सांस सांस को भट्टी, अब तू जाग मिलखा, बस तू भाग मिलखा। नमस्कार मित्रों, कान खोलकर सुन लो कार्यक्रम में फिर हम एक बार हाजिर है एक विशेष कार्यक्रम लेके आपके सामने। मित्रों आपको पता होगा कि भाग मिल्खा भाग एक पिक्चर बहुत दिनों पहले पूरे देश में प्रदर्शित हुई थी, और इंदौर में एक ऐसा नन्ना धावक है जो इस मिल्खा सिंह को भी टक्कर दे रहा है। इस नन्ने कदम ने आज इंदौर ही नहीं पूरे 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 कई जगहों पर अपना नाम ऊंचा करा है। आज ऐसे ही नन्हे व्यक्ति, ऐसे ही नन्हे मुन्ने धावक सब मिलने जा रहे हैं जो इंदौर में रहकर इंदौर का भी नाम रोशन कर रहा है। तो आइए जानेंगे हम कि कौन नन्हा धावक है। कार्तिक बताइए कि आप ये जो आप जो धावक इस तरह से दौड़ते हैं, बिल्कुल शेरों की तरह दौड़ते हैं, क्या मन में आपके ख्याल आया कि मुझे इस तरह से दौड़ना है, और ये प्रेरणा आपको किससे मिली? मेरा नाम कार्तिक जोशी, मैं इंदौर से बिलोंग करता हूँ। मुझे ऐसी मतलब ऐसा अल्ट्रा मैं एथलीट इसलिए ज्वाइन करा क्योंकि एथलीट सारे गेम को डेवलप करता है, और एथलीटिक्स में पावर, स्ट्रेंथ, स्टेमिना और ऐसे मतलब सारे अदर थिंग्स की डेवलपमेंट होती है। हर गेम एथलीटिक्स से ही डेवलप्ड होता है, इसलिए मैंने एथलीटिक्स ज्वाइन करा। एथलीटिक्स में बहुत सारे गेम्स होते हैं, स्प्रिंट, लॉन्ग रनिंग, जंप, हाई जंप, थ्रो और बहुत अलग अलग चीज़ें। अब इसलिए और इसमें एक अलग सबसे अलग थिंग होती है अल्ट्रा रनिंग, जो कि इसमें भी बहुत सारी थिंग्स होती है, इसलिए मैंने अल्ट्रा रनिंग चूज़ की। अल्ट्रा रनिंग में मैंने आज तक 60 किलोमीटर द हेल रेस मैराथन मैंने सेकंड प्लेस चेस करके कंप्लीट किए। 651 किलोमीटर स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत शुरू किया था, जिसमें रेगुलर मैंने 21 किलोमीटर दौड़ा था। अभी 12 आवर स्टेडियम रन मैंने दिल्ली में दौड़ा, उसमें मेरी फोर्थ पोजीशन लगी है, जिसमें मैंने 99 किलोमीटर चेस किया है। और मैंने बेंगलोर मैराथन में थर्ड पोजीशन चेस की है, सापुतारा मैराथन में फोर्थ पोजीशन चेस हुई है, और अभी और मैं मैराथन दौड़ने जा रहा हूँ जिसमें 24 आवर स्टेडियम रन है, जो 6 से 7 जनवरी तक चलेगा, सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक, अगले दिन सुबह 7 बजे तक। और कोडिया खेल मैराथन है जो 130 किलोमीटर की है, रंधारण गुजरात में होने वाली है, जो डेजर्ट में होती है, जिसमें हाइकिंग, स्काइक और क्लाइंबिंग करनी होती है, जो 161 किलोमीटर की 100 माइल की रेस होती है। अब ऐसी ही रेस मुझे ज्वाइन करना और आगे भी दौड़ना है, जिसकी एंट्री फीस बहुत ज़्यादा होती है, वैसे अफोर्ड नहीं कर पाता हूँ। जैसे अभी जो रंधारण मैराथन है उसमें 25,000 एंट्री फीस है विद अकोमोडेशन स्टे है, जिसमें रुकने के 3 दिन के 7,500 रुपये पे करने होंगे, फिर खाना अलग से। अब हम वहाँ पे होटल भी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि होटल से बहुत दूर है, क्योंकि बीच डेजर्ट में वो उसका कैंपिंग होता है, स्टार्ट एंड फिनिश पॉइंट। अब मेरा जो टारगेट है 333 किलोमीटर से ला अल्ट्रा मैराथन होती है, इसमें 333 किलोमीटर नॉन स्टॉप स्लीपलेस दौड़ना होता है 3 दिन तक। अब वो उसकी एंट्री फीस से 2 लाख रुपीज़ जो कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मुझे बस यही प्रॉब्लम है कि मुझे फाइनेंशियल हेल्प बिल्कुल नहीं हो पा रही है। मेंटली और फिजिकली हेल्प तो मुझे मेरे घर से भी और मेरे मतलब कोच से भी, इंदौर डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक्स एसोसिएशन से भी मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट है, बस अगर फाइनेंशियल और डाइट का सपोर्ट हो तो मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ। कार्तिक एक सवाल यहाँ भी है कि तुम महज 11 वर्ष से आप एथलेटिक धावक की तरह दौड़ रहे हो, तो सबसे ज़्यादा परेशानियाँ तुमको किस चीज़ में आ रही है? फाइनेंशियल तो आप बता रहे हैं, लेकिन क्या आपको फैमिली सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? जी सर, मुझे फैमिली सपोर्ट तो फुल है, बस वहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं हो पाता तो फैमिली भी क्या कर पाएगी। मेरा पापा सुबह 6 बजे से रात को 11 बजे तक दुकान चलाते कि मैं उसके लिए कुछ अच्छा कर सकूँ, इसीलिए बस मुझे यही प्रॉब्लम है कि अगर मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट हो तो मैं बहुत अच्छे अच्छे मैराथन दौड़ सकता हूँ। अभी वर्तमान में आप मेरी बात हुई आपके मित्र से कि आप इंदौर में भी 24 घंटे का कोई रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, तो किस तरह का रिकॉर्ड है और ये कहाँ बनना है? अभी ये इंदौर में नहीं होने वाला, ये दिल्ली में होने वाला है, जो कि है ना 6th-7th January से सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक चलेगा। उसमें 24 आवर्स कंटिन्यू रन करना है, जो कि मैं 200 किलोमीटर का टारगेट लेके जाऊँगा, कि मुझे 24 घंटे में 200 किलोमीटर और या उससे ज़्यादा दौड़ना है, और वहाँ पर एक अच्छी पोजिशन चेस करके आना है। 24 आवर अगर मैं सक्सेसफुली 200 km चेस करता हूँ तो इसके बाद मैं 48 आवर चेस करने की प्रैक्टिस करूँगा, क्योंकि मुझे अपना नाम दूर रिकॉर्ड करना है। सबसे कम उम्र में सबसे ज़्यादा कंटिन्यू और सबसे ज़्यादा बिना सोए और बिना थके दौड़ने का रिकॉर्ड बनाना है, और जो सबसे ज़्यादा किलोमीटर दौड़ेगा वैसा रिकॉर्ड बनाना है, कि बिना रुके और बिना थके और बिना सोए ऐसा रिकॉर्ड बनाना है, जो सबसे ज़्यादा दिन दौड़ने का एक अपना नाम रिकॉर्ड होता है।
जो आप इतना दौड़ते हो, लगातार दौड़ते रहते हो, इसके पीछे क्या आपकी मंशा है और इसी के द्वारा आप क्या करना चाहते हो आगे भविष्य में? हमें जो लगातार दौड़ रहा हूँ इसका मुझे एक मंशा ये है कि मैं सबसे कम उम्र में सबसे अच्छी मैराथन दौड़ने का अपना नाम रिकॉर्ड चाहता हूँ, क्योंकि एक मुझसे पहले एक बहुत अच्छा बच्चा था भूया, जो कि आज पता नहीं कहाँ है, उनने अपनी सबसे कम एज में एक ऐसा रिकॉर्ड कायम किया जो कभी ना टूटेगा ना कभी बन पाएगा। उनने 8.5 या 9 साल की उम्र में 67 किलोमीटर चेस किया था बिना रुके, वो भी बिना पानी पिए। और आज की तारीख में या इसके आगे भी ऐसा करना नामुमकिन है या इम्पॉसिबल ही कह सकता आप उसे। अब 8 साल का बच्चा अगर ऐसा कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? मुझे भी कुछ एफर्ट करना चाहिए या मेरा भी कुछ ऐसा अचीवमेंट होना चाहिए कि लोगों ने मुझे भी जाने भूलिया के नाम से। और इसके अलावा आप इस दौड़ने के अलावा पढ़ाई वगैरह में किस तरह से ध्यान दे पाते हैं? आपका शेड्यूल क्या रहता है? मैं आइडल एकेडमी में स्टडी करता हूँ, बस मुझे जाने आने में ये प्रॉब्लम होती है कि अब सुबह 12 बजे स्कूल जाता हूँ, फिर मैं वहाँ से आता हूँ 5 बजे, उसके बाद वापस मुझे ग्राउंड ज्वाइन करना होता है, और फिर वहाँ पे अब 9th की स्टडी तो आप जानती है इतनी टफ होती है कि अब उसे कैसे ज्वाइन करूँ मैं। अब 9th की स्टडी भी करना है मुझे, सुबह उठना है, फिर ग्राउंड आना है, फिर वहाँ से आके थोड़ी देर बैठ के डाइट लेना है, खाना है, और तैयार होकर वापस स्कूल जाना है, स्कूल से आना है, वापस तैयार होना है, थोड़ा नाश्ता पानी करके वापस ग्राउंड आना है, यहाँ से आने के बाद वापस होमवर्क करना है, और फिर ऐसा शेड्यूल होता है। और कभी नाइट प्रैक्टिस होती तो फिर नाइट प्रैक्टिस का तो पूरा दिन ही खत्म हो जाता है, रेस्ट का टाइम नहीं मेरे पास। अगर रेस्ट हो प्रॉपर या प्रॉपर अचीवमेंट हो या प्रॉपर गाइडेंस हो तो मैं और अच्छा कर सकता हूँ। अच्छा, जिस तरह से मैं आप में इतना जोश देख रहा हूँ दौड़ने के लिए, तो ऐसे अपनी लाइफ में आप कुछ पिक्चर्स वगैरह भी देखते हैं या क्या कुछ बुक्स का भी आप उपयोग करते हैं जिससे आपको इतना जोश आता है दौड़ने के लिए या कुछ करने का मन करता है? सर ऐसी बात है कि हमको टीवी देखने का तो बहुत कम टाइम मिलता है, मुझे पिक्चर देखने का शौक है पर मैं टीवी देख नहीं पाता हूँ, क्योंकि मुझे अपने स्पोर्ट्स पे अपने करियर पे इतना ध्यान देना कि मैं टीवी कैसे देख सकता हूँ या अपना टाइम कैसे वेस्ट कर सकता हूँ। मुझे अब जो भी टाइम मिलता है तो मैं उसको कुछ अच्छी चीज़ सीखने में लगा लेता हूँ, क्योंकि क्या प्रॉपर डाइट हो सकती है, क्या प्रॉपर एक्सरसाइज हो सकती है, क्योंकि एक छोटी सी एक्सरसाइज भी आपको पूरे साल भर के लिए या पूरे महीने के लिए या पूरे हमेशा के लिए इंजेक्ट कर सकती है। अगर आप दौड़ रहे हैं आपका हल्का सा पैर मुड़ता है तो आपके एंकल लॉक हो जाते हैं जो कि महीने 2 महीने बाद ओपन होते हैं, तो अब इतना एंकल लॉस होने के कारण इसलिए आप अच्छे से कुछ चीज़ को सीख लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती ना। तो आप टीवी देखने से अच्छा कुछ ऐसी चीज़ें देखें जो आपको अच्छा ही गाइडेंस दे। सर तो सिखाती हैं, सर से भी कुछ अलग सीखना हो तो अपने को। अच्छा, जिस मुकाम पर आज आप यहाँ हैं इसके पीछे कौन आपको मदद करता है या कौन किसको आप अपना वेल विशर मानते हैं कि जो आपको लगातार इस चीज़ में सपोर्ट कर रहा है? अब इसमें मेरे सबसे ज़्यादा मुझे सपोर्ट मेरे पापा का, क्योंकि अगर मेरे पापा मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा। मेरे कोई बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनके पापा या घर से कोई सपोर्ट नहीं है, क्योंकि वो भी कुछ मेहनत नहीं करना चाहते ना, अगर खुद मेहनत करोगे तो घर वाले भी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। अब मैं इतना कंटिन्यू रन कर रहा हूँ, पहले मेरे पापा ने भी देखा तो उनको लगा कि हाँ हमारे घर से भी कोई कुछ अच्छा कर सकता है, तो अब मैं अच्छा कर रहा हूँ तो मेरे पापा भी मुझे सपोर्ट करेंगे, और अभी आज सपोर्ट कर रहे, अगर मैं अभी कुछ अच्छा नहीं करूँगा तो मेरे पापा भी कैसे सपोर्ट कर पाएंगे मुझे? तो मुझे घर से अच्छा सपोर्ट है, मेरे कोच से भी बहुत अच्छा सपोर्ट है, और मेरे कोच और इंदौर डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक्स एसोसिएशन से भी मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। बस अगर फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं हो ना तो मैं बहुत अच्छा कुछ कर सकता हूँ। अच्छी बड़ी मैराथन दौड़ के मैं अगर इसी साल में अपना नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कर सकता हूँ, जो कि 3 दिन 2 दिन कंटिन्यूसली दौड़ने का रिकॉर्ड बना सकता हूँ। तो ये थे कार्तिक जोशी जो इंदौर में नन्हे धावक के रूप में अपनी पहचान बना रहे हैं। आइए हम इनके पिताजी से बात करते हैं कि जो ये नन्हा धावक है किस तरह से तैयारी कर रहा है और कहाँ तक ये अभी तक पहुँच पाया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका जोशी। आप बताइए कि कार्तिक जो इस मुकाम पे है आज, ये कितने वर्ष की उम्र से शुरू हुआ और इसका आप लोगों का जो सपोर्ट है इसको कहाँ तक करने का, और आप किन चीज़ों में पीछे हो रहे हैं इसे सपोर्ट करने में? सर 11 वर्ष की उम्र से लगातार दौड़ रहा है और 2 साल से मल्हार आश्रम ग्राउंड पे दौड़ रहा है। इस 2 साल के अंदर इसने मध्य प्रदेश और इंदौर का बहुत नाम रोशन किया है। इसने भारत की जो सबसे कठिन रनिंग होती है द स्काई रनिंग द हेल रेस, जो पहाड़ों पर होती है, जंगलों में होती है, और जो ठंडा प्रदेश होता है जैसे बर्फ़ पे, जो पहाड़ियों पे जो बर्फ़ जम जाती है उसमें इसने दौड़ा हुआ है। प्लस अभी दिल्ली में इसने 12 घंटे कंटिन्यूस रनिंग करी है, और बेंगलोर, दिल्ली, जयपुर, पुणे, विशाखापट्टनम और हिमाचल प्रदेश, इसमें इसने 10 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 42 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 80 किलोमीटर और 99 किलोमीटर की रनिंग कंप्लीट करी है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है, बहुत ही कमज़ोर है, उस कारण हम इसको जो डाइट देना है या जैसा भी, ये 400-500 रुपये के शूज में दौड़ता है, इससे इसके इंजर्ड होने का डर भी बहुत रहता है। अगर इसे भरपूर अगर आर्थिक सहयोग मिल जाए तो ये आज मध्य प्रदेश और देश का नाम रोशन कर सकता है।
कहाँ कहाँ आपने इसको ट्राई किया? आज जो आती इसको समस्या आती है, कहाँ कहाँ तक आपने इसको लिए जो अपनी पहुँच करी? मैंने जैसे अब अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को लिखा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लिखा है, खेल मंत्रालय को लिखा है, मेरी आर्थिक समस्या से उस पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि अगर आप मुझे थोड़ा आर्थिक सहयोग कर देंगे तो ये होनहार बच्चे का भविष्य उज्ज्वल हो सकेगा। तो ये थे कार्तिक के पिताजी। हम इनके कोच से भी बात करेंगे कि कहाँ क्या समस्या आ रही है और कितना इन्होंने कार्तिक को ट्रेन किया है। बताइए आपका नाम। बताइए। गोविंदा चिंतावन जी। तो ये कार्तिक आपके साथ आपके अंडर में कब से दौड़ रहा है और कहाँ इसको क्या समस्या आती है और किस तरह की ट्रेनिंग इसे और ज़्यादा मिलना चाहिए? प्रैक्टिस तो कार्तिक 2 साल से कर रहा है, इसी ग्राउंड पर कर रहा है। उसके अलावा भी जैसे व्यासन की टेकरी है वहाँ पर हिल रनिंग के लिए जाते हैं, राला मंडल है पहाड़ पर चढ़ने के लिए वहाँ पर जाता है। अभी 6 घंटे इसने कल ही शाम को मतलब रात में स्टार्ट किया था, सुबह 6 बजे तक से दौड़ा ये 6 घंटे। प्रैक्टिस तो बहुत अच्छे से चल रही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है और आने वाली जो अभी दिल्ली में 24 हॉर्स रन है उसमें भी इसका जाने का है, 12 रन हॉर्स उसने अभी पूरा किया है वापस आया दिल्ली में, अभी से दिल्ली में वापस से इसको जाना है। बाकी तो प्रैक्टिस का ये है, बाकी थोड़ा सा इसका आर्थिक समस्या है घर की। क्या होता है कि जैसे अभी जो शूज़ पहन रहा है ये 400-500 रुपये के शूज़ में वो रोड पे दौड़ना संभव नहीं है, उसमें कोई इंजरी होने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। अगर ये वाले शूज़ पहन के दौड़ेगा तो उसके नी में प्रॉब्लम आने लग जाएगी, कुछ समय में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो थोड़ा सा अगर ये इसको कुछ सपोर्ट मिलेगा तो कुछ अच्छी सुविधाएँ इसको मिलेगी आगे बढ़ने के लिए, हो सकता है उसके बाद में फिर ये अपने देश का प्रदेश का नाम रोशन करे और अच्छा आगे और कुछ कर सकता है। अभी जितना कर रहा है वो उसके हिसाब से ठीक है, आगे और अच्छा करने के चांसेस हैं इसके। तो ये थे कार्तिक के कोच, जिन्होंने बताया कि अभी जो कार्तिक है महज 400 या 500 रुपए के शूज़ पहन के लंबी पारी खेल रहा है, जहां उसे आगे जाकर कई सारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि जो स्पोर्ट्स होता है, स्पोर्ट्स में बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो आगे जाकर या तो कोई अच्छी नौकरी पाते हैं या कोई अच्छा नाम देश का करते हैं, लेकिन इंदौर में एक प्रतिभा ऐसी है जो कहीं ना कहीं आर्थिक सहायता नहीं मिलने से बहुत ज़्यादा पीछे जा रही है। ये दौड़ना तो बहुत आगे चाहता है लेकिन इसकी आर्थिक कंडीशन इसको लगातार पीछे खींचती जा रही है। तो यहाँ पर सरकार का सपोर्ट भी कम नज़र आ रहा है और जैसा कि कार्तिक के पिता ने बताया कि मैंने प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक कई तरह से लेटर भी लिखे लेकिन 6 माह बीत जाने के बाद भी उसका कोई रिप्लाई आज तक नहीं आया। अगर इस नन्ही प्रतिभा, इस नन्हे धावक को अगर कोई सहायता नहीं मिलती है तो निश्चय ही ये धावक जो है बहुत पीछे हो जाएगा। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार को भी सोचना होगा। कैमरामैन धर्मेंद्र यादव के साथ रिपोर्टर रोहित त्रिवेदी, एमपी न्यूज़ इंदौर। खोल तुरख के पहिए खोल, बना के चक्र सुदर्शन बोल, जम के फीते कस के बांध, खुली है आज शेर की मांग। तू गोली दाग मिलखा, दाग मिलखा, दाग मिलखा, अब तू बाग मिलखा। अरे छोड़ दे बीते कल की बोरी, काट दे रस्सी सुतली डोरी, तुझसे पूछेगी ये मट्टी, करके सांस सांस को भट्टी, अब तू जाग मिलखा, बस तू भाग मिलखा।